खेल जगत से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। दरअसल भारत को दो बार ओलंपिक में पदक दिलाने वाले दिग्गज हॉकी प्लेयर चरणजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 92 साल थी। चरणजीत ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अपने पैतृक घर पर आखिरी सांसें ली। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे चरणजीत ने न सिर्फ अपने खेल से बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ी। यही वजह है कि आज पूरा देश उनके जाने के बाद शोक में डूबा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी ने अपने अपने तरीके से दिग्गज खिलाड़ी को याद किया और श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, हॉकी खिलाड़ी श्री चरणजीत सिंह के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की सफलता में बहुत अहम भूमिका निभाई, खासकर 1960 के दौर में रोम और टोक्यो ओलंपिक्स में। उनके परिवार और दोस्तों को सांत्वना, ओम शांति। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की तरफ से लिखा गया, Anguished by the passing away of renowned hockey player and Olympian Shri Charanjit Singh ji. He was known for his exceptional hockey skills and leadership qualities. His contribution to Indian hockey will always be remembered. My condolences to his family members. Om Shanti. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दुख जताते हुए लिखा, पद्मश्री चरणजीत सिंह जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। 1963 के गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी जगत में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखा, Saddened by the demise of legendary Indian hockey player Shri Charanjit Singh ji. He was captain of India's 1964 Tokyo Olympics gold medal winning team. May Bhagwan grant eternal peace to his soul and strength to the bereaved family and admirers to bear the loss. Om Shanti. 3 फरवरी 1931 को जन्मे चरणजीत सिंह उस टीम का हिस्सा थे जिसने साल 1960 में रोम ओलंपिक में रजत पदक जीता था और फिर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उन्हें 1963 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और फिर 1964 में ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद उन्हें सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया। इसके अलावा उन्हें राज्य स्तरीय और अन्य सम्मान भी मिले थे। वो हिमाचल और पंजाब में कई विभागों और संस्थाओं के सदस्य और पदाधिकारी भी रहे थे। बहरहाल दुआ करते हैं भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति।